सामने आ चुका है जोजिला का बोर्ड, जोजिला पास का बोर्ड। फ्रेश बनाओ खाएंगे, अभी हम जा रहे हैं सोनमर्ग के लिए। मैप लगाने के बाद भी ना मैं श्रीनगर में घूम गया, कहीं राउंड लेना है तो फ्लाई ओवर आ जाता, मैं सोचता कि फ्लाई ओवर के बाद है, बस उस चक्कर में श्रीनगर में भी घूम गया मैं, मतलब मैप लगाने के बाद भी घूम गया, देख रहे हो। इसलिए यही होता भाई, मैप लगा लेना चाहिए। अब पूछ पूछ के जाता था फिर तो भाई पहुँच गया मैं। अभी भाई एक भाई मिला, उस टाइम GoPro बंद था मेरा, वो बंद कर रखा था, तो कह रहा भाई यूपी से आ गया इधर इस पे, अब कहाँ जाओगे, श्रीनगर रुकोगे? उनकी नहीं भाई लद्दाख। कह रहा भाई इस पे लद्दाख जाओगे? उनकी हाँ। कह रहा भाई हीरो वाले तुम्हें अवार्ड देंगे? उनकी भाई दुआ दे यार अवार्ड यार, तो ये दुआ दे, अपने मन में कही इससे तो नहीं कही, तो कह के चला गया कि भाई हीरो वाले तुम्हें अवार्ड देंगे, पर देंगे नहीं ना, बड़े हरामी हैं हीरो होंडा वाले, दिलवा दो यार। एक भाई राइडर जा रहा है भाई, देखते हैं कहाँ जा रहा है, इससे पूछता हूँ, पूछूँ कहाँ जा रहा है, लद्दाख जा रहा है मेरे हिसाब से कि मेरे है नहीं। राइट मुन्ना भाई राइट, ये भाई ये खड़ा है यहाँ, अरे आजा भाई राइडर ढूंढना तुझे भी मेरे साथ ही आ जा। रुको जरा, सबर करो, इतनी भी जल्दी कहाँ की है भाई वीडियो देखने की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है, हमने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करी है जिसमें कि हमने लेटेस्ट ट्रेंडिंग आउटफिट्स कुर्ता पजामा लॉन्च किए हैं, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाकर, नीचे वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। वीडियो देखने के बाद वेबसाइट पे जाना और चेकआउट करना। बाकी भाई जैसे पहले एपिसोड को आपने प्यार दिखाया भाई, बहुत तगड़ा प्यार दिखाया, वैसे ही इस वाले एपिसोड को भी प्यार दिखाना, कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो गाइस फाइनली हम हैं कश्मीर में अपनी हीरो स्प्लेंडर के साथ। ये तो हमारा ऐसे हो गया जैसे कन्याकुमारी टू कश्मीर, कन्याकुमारी भी स्प्लेंडर से गया था और कश्मीर भी स्प्लेंडर से आ गया, तो ऐसे बोल सकते हैं कि कन्याकुमारी टू कश्मीर ऑन अ स्प्लेंडर या सोलो राइड, सोलो राइड वो भी करी थी, ये भी सोलो राइड है, तो मतलब हो सकता है बोल सकते हैं। अभी हमें कश्मीर के एक बड़े से शहर में, छोटा नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे बड़ा शहर, यह है बड़ा शहर श्रीनगर। अभी इसमें हम घूम रहे हैं श्रीनगर में, घूम नहीं रहे हम, जा रहे हैं सोनमर्ग के लिए। टाटा सुमो पुरानी है भाई, टाटा सुमो भी क्या चलती थी, क्या टाइम, एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चलती थी। मैं आपको बता दूं, अगर कोई श्रीनगर वगैरह इधर आना चाहता है बाय रोड आओगे तो भाई सीधे सीधे ये रास्ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है तो भाई या तो जम्मू से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी, जम्मू ही लास्ट स्टेशन है, या फिर आपको फ्लाइट से आना पड़ेगा। बाय रोड तो आप अपनी गाड़ी से तो आ ही सकते हो, और बाकी टैक्सी वगैरह करनी है तो अपने वहीं से भी कर सकते हो, फिर जम्मू से होगी यहाँ तक श्रीनगर तक के लिए वो भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना कहने का मतलब। और कश्मीर की वीडियोस देखनी है तो भाई कश्मीर की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे आप चैनल के सबसे लास्ट में जाके आप पहली वीडियो से लेके और 6th-7th एपिसोड है, डल लेक वगैरह, सोन वो गुलमर्ग, पहलगाम, तो आपको सब तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी मैं लिंक भी डाल दूंगा, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसमें कश्मीर की के नाम से शायद कुछ बनाई हुई है, तो मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर देखनी हो तो देख लेना भाई, कश्मीर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो नहीं होगी वह इन लोगों में मिल जाएगी आपको, तो बने रहिए और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना भाई, और कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। अभी हम जा रहे कारगिल के लिए, अभी हमें श्रीनगर,
की ट्रक भाई साहब, कितना ट्रक है वहाँ पर, देश में बहुत ट्रक है। ये आ गई भाई अपनी फोन नंबर कर दी, तो भाई यहाँ से लिए है हमारा 400 किलोमीटर, कारगिल है 174 किलोमीटर, द्रास है 117, बालटाल 70, सोनमर्ग 55। तभी तो हमें बहुत ट्रैवल, बहुत लंबी राइड करनी है, मतलब 174 किलोमीटर और करनी है हमें राइड, कर पाएंगे? तो गाइस मैं हूँ अभी जोजिला पास से कुछ ही दूर, मतलब लगभग होगा 15-20 किलोमीटर के आसपास जोजिला पास यहाँ से। और भाई तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, बहुत ही तगड़ी चीज़ है। और पहले तो नज़ारा देख लो भाई, ऊपर बादल, और ये देखो भाई नीचे काम चल रहा है, और ये बन रही है टनल। तो जोजिला पास पे अभी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ये टनल बन रही है। मैं अब इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, और पीछे मेरे पहाड़ पे बर्फ, ये देखो भाई कितना बढ़िया काम चल रहा है भाई, कितनी बढ़िया रोड बन जाएगी आने वाले टाइम में, अगले साल मतलब 1-2 साल में काम बन जाए भाई। देखो टनल कैसी बनाई हुई है, ये जाएगी सू भाई जोजिला पास पार करते हुए, और नज़ारे देखो कुछ ऐसे हैं। और अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे, सही परफॉर्म कर रही है अभी तक तो भाई, सही चढ़ाई में भी, मतलब तीसरे गियर में चल जा रही है। तो ये कुछ अपनी बाइक है, ये कुछ पहाड़ हैं। तो गाइस टाइम हो गया 3:17, और अभी रह गया कारगिल 116 किलोमीटर, 3 घंटे 2 मिनट, मतलब 6-7 बजे तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। और हम थे अभी यहाँ पे, और ये देखो थोड़ा, तो गाइस हम कर रहे हैं जोजिला की चढ़ाई स्टार्ट, मतलब कर दी है थोड़ी सी, चल भी गए 500 मीटर के आसपास, जोजिला पास की चढ़ाई कर दी हमने स्टार्ट। बढ़िया, थोड़ा भाग हम भाग जा रहे हैं, सही है भाई, उबड़ खाबड़ रोड है, बर्फ तो नहीं है भाई, बर्फ नहीं दिख रही है, ऊपर पास पे हो तो बात अलग है, पर यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी पड़ी रहती है ना जैसे, तो यहाँ पे तो नहीं है फिलहाल, तो जोजिला पास पे हुई तो बात अलग है। अभी हम कर रहे चढ़ाई, ये देखो बाइक क्या लोड मान रही है, फिर भी चढ़ रही है, ऐसे हार नहीं मान रही। ये है हीरो स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस 100 cc की।
भाई ये आई हमारी राइड की पहली वाटर क्रॉस। तू चले गया, तू चले फिर वहाँ पता नहीं पहली अपनी राइड की पहली वाटर क्रॉस। दो जिला पास और ये एक चक्का वाली है भाई खड़ी अपनी वहाँ पे अच्छी लग रही है गंदी ऐसे पीते हैं और बिस्किट वगैरह खाते हैं थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। सामने आ चुका है जोजिले का बोर्ड, जोजिला पास का बोर्ड। अभी थे हम इस बोर्ड को पार करने के बाद हो जाएंगे हम लद्दाख रीजन में और अभी है हमें इसमें क्या कहते हैं आपको जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर में। गाइस हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास, ये रहा जोजिला पास, ये रही अपनी स्प्लेंडर और यहाँ से कारगिल 96 और ले है 326 और इसका एल्टीट्यूड है 11649 फीट। और भाई कुछ नज़ारे ऐसे अभी वहाँ पे मैंने कहीं पे चाय वगैरह पी थी, वहाँ पे पी थी चाय। भाई हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास, ये भाई मतलब इस बाइक का पहला पास हुआ, बाइक का पहला पास और मेरा भी जोजिला पास पहली बार ही है। ये रहा और ये रही बाइक, ये कैन पिचक चुकी है जाते जाते वहाँ पे। आई लव जोजिला, कुछ नज़ारे यहाँ के ऐसे हैं बढ़िया। चलते हैं भाई 96 किलोमीटर हमें कंप्लीट करने हैं और टाइम हो गया। कारगिल में एंट्री हो चुकी है और कारगिल में एंट्री होने के बाद अब हम चल रहे हैं कारगिल के अंदर, मतलब कि लद्दाख रीजन में। पहले थे हम उसमें जे एंड के में, जे एंड के का मतलब जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के हम हैं लद्दाख में, अब हम लद्दाख में घूम रहे हैं अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस लेके। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, जो वीडियो यहाँ तक देख रहा है ना, जो भाई वीडियो देख रहा है ना यहाँ तक, भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है ना। और नज़ारे देख भाई, नज़ारे वक्त क्या नज़ारे हैं, वक्त क्या नज़ारे हैं, वक्त
यहीं पे रूम ले रहा हूँ मैं। वैसे तो लोकेशन के हिसाब से दिखा रहा था 50 किलोमीटर, तो मैं यहीं पे रूम ले रहा हूँ। मेरे भाई पार्किंग वालों ने दिलवा दिया सस्ते में, कह रहा है कि बाइक के लिए सस्ते में दे देंगे। ये रहा कारगिल, कल आएंगे सुबह, कल इसके बाद मैं इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, सब चीज़ दूंगा। तो अभी चलते हैं होटल पहले। तो गाइस ये कुछ मौसम है यहाँ का ऐसा, और ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, और ये है मेरा होटल यहाँ पे लिया, और ये खड़ी यहाँ पे बाइक। बस बाइक का ही थोड़ा डर है, बाकी रूम तो एक नंबर है, और बाकी और बातें रूम में चल के करेंगे। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, ये द्रास में है भाई, द्रास में, बट इसका नाम है कारगिल वॉर मेमोरियल, ठीक है। उसके बारे में कल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कल के व्लॉग में। बाकी बैग वैग उतार लेते हैं, अपने रूम में चलते हैं लेके, बाकी बात अपने रूम में करेंगे, अभी चलते हैं रूम में, है ना। बाकी भाई रूम ये बढ़िया रूम है, ये रहा बेड, बढ़िया बेड है ये भाई, 600 रुपये में मिला मुझे, ऑफ सीजन है इसलिए मिल गया, वरना यही रूम कह रहा हूँ 2,000-2,500 रुपये का रूम होता है ये वाला। और यहाँ पे परेड वगैरह चल रही है, शायद कुछ चल रहा है, आवाज़ आ रही है, भोपू बज रहा है, हमारी भी है ये रही, बस ये सब है। बाकी शक्ल वकल धो लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, हाथ मुँह धो लेते हैं, धूल चिपटी पड़ी भाई पजामे का, हाल देख लो क्या हो रहा है भाई। हम आए अपना फ्रेश व्रेश हो गए, हाथ मुँह धो गए खाना खाने के लिए, ताज़ा ताज़ा ही बन रहा है, ये बन रहा राजमा और चावल, तो फ्रेश बना हुआ खाए हैं। जो होटल जिनसे रूम लिया उन्होंने वही लेके आए हैं यहाँ पे, तो वो कह रहे थे भाई यहाँ का एक नंबर खाना होता है, वो यहीं खाते हैं हमेशा आके, तो हमें भी यहीं लेके आए, तो खाना खाते हैं और फिर चलेंगे अपने रूम में, फिर करेंगे बहुत सारी बातचीत है, फिर बताएंगे कैसी रही राइड और अभी हम कहाँ आएँ और कल का क्या सीन है, सब बताएंगे, है ना। तो गाइज मैं अपने रूम में आ चुका हूँ, खाना वाना खा के अपने बढ़िया से राजमा चावल खाए थे, बच गए थोड़े, मैंने कि भाई ना डॉगी को दे देना, मतलब कुत्ते को दे देना, आराम से अब बैठेंगे यहाँ ही, मतलब बैठेंगे क्या सोएंगे। कारगिल वॉर मेमोरियल के सामने ही मैंने रूम लिया है, सस्ता मिल गया, 600 रुपये में रूम मिल गया। आज की राइड बहुत बढ़िया रही, बाइक ने परफॉर्म सही करा, थोड़ी जहाँ चढ़ाई आ रही थी वहाँ थोड़ा डगमगा रही थी, पर यह है कि हार नहीं मान रही थी कि अब मैं आगे जाऊँगी नहीं, ऐसा नहीं कर रही थी, क्योंकि बाइक किसकी है, मेरी, तो इसलिए वो हार नहीं मान रही थी, जैसे मैं हार नहीं मानता तो वो भी नहीं हार मान रही थी। और बहुत अच्छा रूट रहा, बस वही है जोजिला पास वाला ही थोड़ा पैच ख़राब है, बाकी एक नंबर रोड है, और यहाँ से ले लगभग 250 किलोमीटर के आसपास, और जो मेन कारगिल सिटी है ना वो यहाँ से 55-50 के आसपास किलोमीटर है। मैं तो सीधा ही जा रहा था, वो तो एकदम से मैंने देखा, मैंने कह रहा ये तो जाना पहचाना से कुछ लग रहा है, फिर मैंने वो देखा जाना पहचाना से लग रहा है, मैंने कि यार, फिर मैंने साइड में देखा वॉर मेमोरियल लिख रहा, फिर मैंने जो सामने उसके पार्किंग है वॉर मेमोरियल के, वहाँ पार्किंग में बाइक लिख गया, वहाँ पूछा था सर उनसे कि वॉर मेमोरियल यही है क्या, फिर उन्होंने कहा हाँ यही है। बाकी वो मैंने कि यार वो 55 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से सिटी, वो कारगिल, कह रहा नहीं मेमोरियल यही है, वो सिटी है, वहाँ से फिर वापसी आना पड़ेगा। मन की भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि बाइक पे, तो वैसे ही थक जाता है इंसान, तो उनके यहीं रूम लेते हैं, कल सुबह यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, विजिट करेंगे वॉर मेमोरियल, और फिर यहाँ से अपना ले के लिए डायरेक्ट निकल जाएंगे। बाकी गाइस इस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, इस ये राइड हो गई यहीं पे समाप्त, आज की राइड होती है यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक करना शेयर करना कमेंट करना, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मदर फादर, मिलते हैं अच्छे से नई सुपर फ्रेश व्लॉग में, अभी हमें कारगिल में